ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968 शनिवार को। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 6 जनवरी 1968 वॉज बीइंग नरेटेड ऑन सैटरडे। की मध्यांत में बात चल रही थी। एट द एंड ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द पेज द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड वॉज विचार सागर मंथन करो और फिर लिखो। टर्न द ओशन ऑफ थॉट्स एंड देन राइट। फिर लिखे हुए को देखो कि कौन सी अच्छी वाली पॉइंट्स उस लिखत में मिस हुई है। देन लुक एट द रिटन टेक्स्ट व्हिच नाइस पॉइंट्स आर मिसिंग इन द राइट अप। इसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड टर्निंग द ओशन ऑफ थॉट्स। बाप कल पहले वाली ही नाले सुनाते हैं। द फादर नरेट्स द सेम नॉलेज दैट वॉज नरेटेड इन द प्रीवियस कल्पा। ये भी बच्चे जानते हैं कि जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं। द चिल्ड्रन ऑल्सो नो दैट ऑल दोज हु कम टू एस्टैब्लिश रिलीजन उनको तो नीचे उतरना ही है। डेफिनेटली हैव टू एक्सपीरियंस डाउनफॉल। वो फिर किसी को भी चढ़ावेंगे कैसे जिनको खुद ही उतरना है। Then how will they, those who themselves have to experience downfall, make anyone climb up? सीढ़ी से नीचे उतरना ही है। They certainly have to come down the ladder. एक ही है जो कभी नीचे नहीं उतरता। There is only one who never experiences downfall. ऊंचे देश का रहने वाला है। He is a resident of a high country. सदैव मन बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहता है। He always stays in a high stage through the mind and intellect. बाकी तो सबको सीढ़ी से नीचे उतरना ही है। Everyone else certainly has to come down the ladder. That is, experience downfall. पहले सुख में आते हैं फिर दुख में आते हैं। First they experience happiness and then sorrow. कौन? Who? जो भी धर्म पिताए हैं वह जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, ऑल द रिलीजियस फादर्स एंड ऑल देयर फॉलोअर्स, वो पहले सतो प्रधान सुखी फिर अंत में तमो प्रधान दुखी। आई इनिशियली सतो प्रधान एंड हैप्पी एंड तमो प्रधान एंड सोरोफुल इन द एंड। ये नाटक बहुत रिफाइन बना हुआ है। दिस ड्रामा इज मेड इन अ वेरी रिफाइंड वे। इसमें विचार सागर मंथन करने की बहुत दरकार रहती है। It is really necessary to churn the ocean of thoughts in this. वो धर्म पिताएं कोई सदगति करने के लिए नहीं आते हैं। Those religious fathers do not come to bring true salvation, sadgati. क्या करने के लिए आते हैं? धर्म स्थापन करने के लिए। What do they come for? Someone said to establish their religion. धर्म की स्थापना तो करते हैं लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? दे डू एस्टैब्लिश अ रिलीजन बट व्हाट इज द रिजल्ट? दुर्गति। दुर्गति करने के लिए आते हैं अपनी भी दुर्गति होती है। मेनी सेड डिग्रेडेशन। दे कम टू ब्रिंग अबाउट डिग्रेडेशन। दे देमसेल्व्स अंडरगो डिग्रेडेशन टू। तो कहेंगे वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। सो इट विल बी सेड दैट दे जस्ट एस्टैब्लिश देयर रिलीजन। अपनी धारणाएं दूसरों की बुद्धि में बैठाए देते हैं। They make their own concepts of religion sit in the intellect of the others. ज्ञान का सागर तो एक ही है। The ocean of knowledge is only the one. और कोई में भी ज्ञान नहीं है। Nobody else has knowledge. ड्रामा में सुख और दुख का खेल तो सभी के लिए है। The game of happiness and sorrow is for everyone in the drama. दुख से भी सुख जास्ती है। Happiness is even more than sorrow. किसके लिए? For whom? सभी के लिए। ड्रामा में दुखों के मुकाबले सुख जास्ती है। For everyone, there is more happiness than sorrow in the drama. परंतु तुम बच्चों के लिए औरों के मुकाबले और भी जास्ती है। बट फॉर यू चिल्ड्रन इट
मीनिंग हैप्पीनेस इज इवन मोर देन फॉर द अदर्स। दूसरे धर्म की आत्माएं एवरेज आधा सुख आधा दुख। द सोल्स ऑफ द अदर रिलीजन्स एक्सपीरियंस हैप्पीनेस फॉर हाफ द टाइम एंड सोरो फॉर हाफ द टाइम इन द साइकिल ऑन एन एवरेज। और तुमको तीन हिस्सा सुख मिलता है और एक हिस्सा दुख मिलता है। Whereas you experience happiness for three parts of the drama and sorrow for one part of the drama. ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर कुछ तो सुख होना चाहिए। When you play a part in the drama, there should definitely be some happiness. बाप आते हैं कोई दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे। When the father comes, he will not establish sorrow. उनको कहा जाता है सुख का सागर। He is certainly called the ocean of happiness. बाप तो सभी को सुख देते हैं। The father certainly gives happiness to everyone. विश्व में शांति हो जाती है। Peace is established in the world. इस दुख धाम में तो शांति हो ही नहीं सकती। There cannot be peace at all in this abode of sorrow. 6 जनवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। Second page of the Vani dated 6th January 68. शांति तो फिर से मिलनी है जबकि वापसी में फिर से शांति धाम जावे। You will obtain peace again when you go back to the abode of peace once again. तो बाप बैठ समझाते हैं ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। So the father sits and explains, you should never forget. कि हम बाप के साथ हैं। That you are with the father. और बाप आया हुआ है हमको असुर से देवता बनाने। And the father has come to transform you from demons to deities. कुंभकर्ण की सीनरी चित्र में दिखाई गई है ना? The scenery of Kumbhakaran has been shown in the picture, hasn't it? Kumbhakaran, meaning a villainous character in the epic Ramayana. इस समय सभी असुर हैं, जंगली जानवर। Now everyone is a demon, a wild animal. जैसे देवताएं सदगति में रहते हैं। Just as when the deities are in the stage of true salvation. तो बाकी सभी आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। All the other souls are in the soul world. ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की। The biggest wonder in the drama is of the unlimited father. तुमको एकदम पारिजात बनाई देते हैं। He makes you completely पारिजात, meaning one of the 5 trees said to exist in paradise. तुम पढ़ाई से परी बनते हो। You become a fairy, meaning परी, through studies. कि बहुत समझने और विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। These are topics to be understood a lot and churned in the ocean of thoughts. भक्ति मार्ग में तो कुछ भी समझ नहीं है। In the path of worship, they don't have any knowledge at all. सिर्फ मालाएं बैठ समीरण करते हैं। They just sit and rotate the rosaries. कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसी की बैठे पूजा करेंगे? Some sit and worship Hanuman, some worship Ganesh, and some worship someone else. अब उनको याद करने से तो कोई फायदा ही नहीं। Now there is no benefit at all in remembering them. बाप ने समझाया इस समय के मनुष्य सभी जानवरों की मिसल है। The father has explained, now all the human beings are like animals. उन्होंने फिर हाथी पर ही बैठ सवारी दिखाई दी है। They have then shown them to be riding elephants. तो ये सभी बातें बाप बिना और कोई समझा नहीं सकता है। So nobody except the father can explain all these things. इतने बड़े बड़े आदमी हैं तो उनको कितना मान रखते हैं। There are such big personalities, so they are respected so much. कितने लोग उनका स्वागत करते हैं। So many people welcome them. परंतु ये हैं कौन? But who are they? एकदम तमोप्रधान बंदर बुद्धि। They are completely tamopradhan with a monkey-like intellect. और बंदरों का बंदर ही स्वागत करते हैं। And it is the monkeys who welcome the monkeys. तुम थोड़े ही ऐसे किसी का स्वागत करेंगे। You will not welcome anyone like this. तुम स्वागत नहीं करेंगे? Will you not welcome them? किसकी बात बताई? About whom was it mentioned? एडवांस के बच्चों को तो बताया कि तुम थोड़े ही किसी का स्वागत बैठ करेंगे। It was certainly said to the children of the advance party, you will not sit and welcome anyone. फिर बेसिक में क्या करते हैं? Then what do they do in the basic party?
स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं वाणी से, स्वागत नैनों से, स्वागत। स्टूडेंट्स दे वेलकम, दे प्ले द सॉन्ग वेलकम थ्रू स्पीच, वेलकम थ्रू आईज। क्योंकि तुम तो जानते हो कि अब ये सारा झाड़ जर्जरी भूत है। यू विल नॉट वेलकम एनीवन बिकॉज यू नो दैट नाउ दिस एंटायर ट्री इज इन अ डिलैपिडेटेड कंडीशन। कोई भी स्वागत करने योग्य नहीं है। नोबडी इज वर्थ वेलकमिंग। सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं। ऑल आर सिनफुल एंड अनराइटियस। क्योंकि साहब विखे की पैदाइश है। बिकॉज ऑल आर बॉर्न थ्रू पॉइजन ऑफ लस्ट। अच्छा अच्छा सब विखे की पैदाइश है और कोई तुमसे पूछे तुम काई की पैदाइश हो। ऑल आर बॉर्न थ्रू पॉइजन एंड इफ समवन आस्क्स यू व्हाट आर यू बॉर्न फ्रॉम तो क्या जवाब देंगे। व्हाट विल यू रिप्लाई। हम तो ब्रह्मा के मुख की पैदाइश है। वी आर बॉर्न थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा। हम कोई भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश नहीं है। वी आर नॉट बॉर्न फ्रॉम अनराइटियस ऑर्गन्स। वो तो हमारे पूर्व जन्म की बात है तुम बताते हो। यू आर टॉकिंग अबाउट अवर पास्ट बर्थ। क्या वॉट पूर्व जन्म की बात तो भूल जानी चाहिए। यू शुड फॉरगेट अबाउट द पास्ट बर्थ। और तो सब मूत पलीते हैं। ऑल द अदर्स आर डर्टीड बाय द यूरिन ऑफ लस्ट। तुमको पता है कि मूत से भी चीजें पैदा होती हैं। यू नो दैट थिंग्स आर क्रिएटेड फ्रॉम यूरिन एज वेल। मनुष्य के किचरे से कितनी खाद बनती है। सो मच फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमन बींग्स। परंतु वहाँ नई दुनिया में तो ऐसी बातें होती नहीं। बट देयर इन द न्यू वर्ल्ड सच थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। वहाँ पर तो नेचुरल फर्स्ट क्लास बहुत मीठी मीठी चीजें निकलती हैं। देयर नेचुरल फर्स्ट क्लास वेरी स्वीट थिंग्स इमर्ज। तो तुम बच्चों को ये फीलिंग आनी चाहिए। सो यू चिल्ड्रन शुड डेवलप दिस फीलिंग कि स्वर्ग में तो गंदगी की कोई बात नहीं हो सकती। दैट देयर कैन बी नो डर्ट इन हेवन। तभी तो बाप कहते हैं। ओनली देन द फादर सेज तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। यू बिकम मल्टी मिलियनर्स। पद्मा पदम पति। सुदामा पदम पति बना था ना। सुदामा बिकेम अ मिलियनर पदम पति डिडंट ही। सुदामा चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ कृष्णा। अपने आप ही पुरुषार्थ किया ना। ही मेड पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट्स ऑन हिज ओन डिडंट ही। बाप कहते हैं। द फादर सेज तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो। यू बिकम सो ग्रेट थ्रू दिस स्टडी। तो गीता तो सभी सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं। सो एवरीवन लिसंस टू द गीता एंड दे कीप स्टडीइंग इट। और ये भी पढ़ता था। एंड दिस वन आल्सो यूज्ड टू स्टडी इट। कौन हु। ब्रह्मा। ब्रह्मा परंतु जबकि बाप ने बैठ करके सुनाया तो इसने भी वंडर खाया। बट वेन द फादर सैट एंड नरेटेड इट दिस वन आल्सो वंडर्ड। बाप की गीता से तो सदगति हुई थी। द गीता ऑफ द फादर ब्रॉट अबाउट ट्रू सेल्वेशन। ये मनुष्य ने बैठ क्या बनाया है। वॉट हैव दीज ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर्ड। क्या वॉट मनुष्यों ने जो पुस्तकी गीता बनाई है संस्कृत की गीता। द बुकिश गीता द संस्कृत गीता दैट द ह्यूमन बींग्स हैव प्रिपेयर्ड। ये क्या बैठ बनाई है। वॉट इज इट दैट दे हैव प्रिपेयर्ड। कहते हैं कि अल्लाह मियां ने ऐसे कहा। दे से दैट अल्लाह मियां सेड दिस। परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अल्लाह मियां ने कहा तो किस रूप में कहा। इफ अल्लाह मियां सेड इट देन इन व्हिच फॉर्म डिड ही से इट। कोई मुख तो होगा। देयर विल सर्टेनली बी अ माउथ वोंट देयर। पूछेंगे तो कुछ नहीं बताएंगे। इफ यू आस्क देम दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग। क्या ऊपर से आवाज आई। डिड एनी साउंड कम फ्रॉम अबव। अल्लाह कौन है। हु इज अल्लाह। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते। इवन द पीपल बिलोंगिंग टू द डेटी रिलीजन डोंट नो गॉड। तो जो दूसरे धर्म वाले पीछे आए हैं वो कैसे जान सकते हैं। सो हाउ कैन द पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स हु हैव कम लेटर ऑन नो गॉड। हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है।
एवरीथिंग इज इनिशियली सतो प्रधान, फिर रजो और तमो बनती है, एंड देन इट बिकम्स रजो एंड तमो। तो अच्छी जानकारी कहाँ होती है? सो व्हेन डू पीपल हैव गुड नॉलेज? सतो प्रधानता में अच्छी जानकारी होती है। दे हैव गुड नॉलेज इन द सतो प्रधान स्टेज। तो सृष्टि के आदि में पहले पहले देवताएं थे जो सतो प्रधान थे। सो द डेटीज हु वर प्रेजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड हु वर सतो प्रधान, वो ही नहीं जानते थे। व्हेन द देमसेल्व्स डिड नॉट नो गॉड, भगवान के बारे में कुछ उनको पता ही नहीं था। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट गॉड एट ऑल। तो जो बाद में और धर्म आते हैं वो सच्चाई कैसे जान सकते हैं? Then how can the religions that come later on know the truth? सब शास्त्र में गीता ही रंग कर दी है। The mother of all the scriptures, that is the Gita itself has been made wrong. गीता को सब शास्त्रों का शिरोमणि माना जाता है। The Gita is considered to be the highest gem among all the scriptures. और उसमें नाम डाल दिया है साकार कृष्ण का। And the name of the corporeal Krishna has been inserted in it. अब कृष्ण तो बच्चा। Well, Krishna is just a child. बाप का नाम ही उड़ा दिया। The name of the father itself has been removed. तो जब गीता का ही ये हाल कर दिया है तो बाकी शास्त्रों का क्या हाल होगा? So when the Gita itself has been brought to such a condition, what will be the condition of the other scriptures? बाप ने तो तुम बच्चों को सुनाया है। The father has indeed narrated the knowledge to you children. जो सत्य सुनाया है वो प्रायः लोप हो गया है। The truth that he narrated has almost disappeared. प्रायः लोप हो गया? It has almost disappeared. माना कुछ न कुछ बचा है, कहाँ बचा है? It means that some of it remains. Where does it exist? शास्त्रों में ही कुछ न कुछ सच्चाई है। There is some truth in the scriptures themselves. अभी तुम बाप से सुन करके पढ़ करके देवता बन गए। Now you are becoming deities after listening and studying from the father. वो शास्त्रों में भी जो सच्चाई है, जो सार है, वो बाप आकर के सुनाते हैं। The father comes and narrates whatever truth, whatever essence is contained in the scriptures. पुरानी दुनिया का हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना है। Everyone certainly has to clear the karmic accounts of the old world. फिर आत्मा पारस बन जाती है। Then the soul becomes Paras, a mythical stone which is said to convert iron into gold. इनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो चुकतू होगा। If this one also has some karmic accounts, it will be cleared. हम भी पहले पहले जाते हैं, पहले पहले आते हैं। We too go first of all and then come back first of all. जो भी आत्माएं हैं, all the souls which exist, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, if they do not study the knowledge completely, तो सब सजा खा करके हिसाब किताब चुकतू करेंगे। They all will suffer punishments and clear their karmic accounts. परंतु इन बातों में हमको जास्ती नहीं जाना है। But we should not think much about these things. इन बातों में About which things? कि कौन कितनी सजा खाएगा? About who will suffer punishments and to what extent? पहले तो निश्चय कराओ। First of all, make them develop the faith. सर्व का सदगति दाता बाप टीचर गुरु एक ही है। That the giver of true salvation to everyone, सदगति दाता, the father, the teacher, the guru is only one. और जो एक है सर्व का सदगति दाता है, एंड दैट वन हु इज द सदगति दाता ऑफ ऑल, वो साकारी नहीं है, इज नॉट कॉर्पोरियल, वो कभी भी साकार बंधन में बंधने वाला नहीं है। ही नेवर बाइंड्स हिमसेल्फ इन द कॉर्पोरियल बॉन्डेज, कोई साकार में उसका अटैचमेंट नहीं होता है। ही डज नॉट डेवलप अटैचमेंट इन एनी कॉर्पोरियल वन, इसलिए वो सर्व का सदगति दाता है। That is why he is the giver of true salvation to all. और बाकी सब? And what about the remaining? बाकी सब दुर्गति दाता है, क्यों? All the others are the ones who bring about degradation. Why? चाहे कितने भी बड़े थे बड़े हों, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद हों। However big personalities they may be, whether they are Abraham, Buddha, Christ,
गुरु नानक विवेकानंद सब के सब साकार के बंधन में संग के रंग में आने वाले हैं। All of them are bound by the bondage of the corporeal, that is medium. They are colored by the company. वो एक है जो कोई के संग के रंग में नहीं आता। He is the one who is not colored by anybody's company. सिर्फ संग के रंग में नहीं आता है, कुछ और भी करता है। Is he just not colored by the company, or does he also do something more? खुद संघ के रंग में भी नहीं आता और अपना संघ का रंग सबको लगा के जाता है। He himself is not colored by the company and he departs after applying the color of his company to everyone. सब आत्माएं कुछ न कुछ निराकारी स्टेज को धारण करती है। All the souls achieve the incorporeal stage to some extent or the other. तो वो अशरीरी है। So He is bodyless. और जो भी आत्माएं हैं सब शरीर धारण करने वाली, गर्भ से जन्म लेने वाली। And all the other souls take on a body. They are born through a womb. अब देखो तुम्हारी आत्मा में कितना ज्ञान है। Now look, your soul has so much knowledge. और जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, उनकी कितनी महिमा है। And the one who is the ocean of knowledge, the ocean of happiness, the ocean of peace is praised so much. और वो है आत्मा ही। And he is just a soul. क्या? What? जिसकी महिमा है वो भी आत्मा है। The one who is praised is also a soul. लेकिन तुरीय आत्मा है। But he is a unique soul. और सबकी तरह? नहीं है। He is not like all the others. आत्मा ही आकर के फिर शरीर में प्रवेश करती है। The soul itself comes and enters the body. जैसे और आत्माएं प्रवेश करने योग्य हैं। Just as other souls are capable of entering into others' bodies. वैसे वो सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है। That supreme soul also enters the body. सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी आत्मा की महिमा नहीं करेंगे। Except the Supreme Father, Supreme Soul, no soul will be praised. और सभी शरीरधारियों की महिमा करेंगे क्या? Will the other bodily beings be praised? ये है सुप्रीम आत्मा। This is the Supreme Soul. बिगर शरीर की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई की नहीं है। Except the one incorporeal father, nobody else is praised without a body. निराकार बाप की महिमा बिगर शरीर हो जाती है क्या? Is the incorporeal father praised without the body? नहीं होती है। No. वो भी निराकार जब ज्योति बिंदु साकार में आवे तब ही तो महिमा होती है। The incorporeal point of light is praised only when it comes in a corporeal form. फिर क्यों कहा? Stage. बिगर शरीर की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई हो नहीं सकती। Then why was it said that except one incorporeal father, nobody else can be praised without a body? ऐसे क्यों कहा? Why was it said so? Someone said the incorporeal stage. हाँ, वो शरीर में आते हुए भी निराकारी स्टेज धारण करता है। Yes, he achieves an incorporeal stage even after coming in the body. कृष्ण की तो ये महिमा हो ही नहीं सकती, क्यों? कृष्ण cannot be praised like this at all. Why? क्योंकि कृष्ण की आत्मा अंतिम 84वें जन्म में भी साकार शरीर का मोह त्याग नहीं पाती। It is because the soul of Krishna is unable to renounce the attachment of the corporeal body even in the last 84th birth. मोह नहीं त्याग पाती? When it is unable to renounce the attachment, तो सूक्ष्म शरीर धारण करके इट टेक्स ऑन अ सटल बॉडी जिन शरीरधारियों में मोह लगा हुआ होता है उनमें प्रवेश करके फिर पार्ट बजाती है। एंटर्स द बॉडीली बीइंग्स विद हुम इट इज अटैच्ड एंड देन प्लेस द पार्ट। तो देखो आत्मा में ही सब संस्कार हैं। सो लुक द सोल इटसेल्फ कंटेन्स ऑल द संस्कार्स। अगर लगाव के संस्कार हैं तो भी आत्मा में है। इवन इफ इट इज द संस्कार ऑफ अटैचमेंट It is in the soul. परंतु जो सुप्रीम सोल है उसमें कोई लगाव का संस्कार नहीं है।
बट द सुप्रीम सोल डज नॉट हैव एनी संस्कार ऑफ अटैचमेंट. कितना ज्ञान का संस्कार है उसमें. ही हैज सो मच संस्कार ऑफ नॉलेज. संस्कार है भी तो कौन सा. इवन इफ ही हैज अ संस्कार, विच संस्कार डज ही हैव. ज्ञान सुनाने का संस्कार है. ही हैज द संस्कार ऑफ नरेटिंग द नॉलेज. प्यार का सागर, शांति का सागर. ही इज द ओशन ऑफ लव, द ओशन ऑफ पीस. तो ये आत्मा की महिमा है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है. सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ द सोल, इट इज नॉट द ग्लोरी ऑफ एनी ह्यूमन बींग. और कृष्ण तो पहला नंबर प्रिंस है. एंड कृष्णा इज द नंबर वन प्रिंस इंडीड. प्रिंस है तो जरूर उसका कोई बाप होगा ना. वेन ही इज अ प्रिंस ही मस्ट सर्टनली हैव अ फादर, मजंट ही. उस बाप में तो सारा नॉलेज है. द एंटायर नॉलेज इज इन दैट फादर. जो आकर के बच्चों को वर्षा देते हैं. हु कम्स एंड गिव्स द इनहेरिटेंस टू द चिल्ड्रन. इसलिए उनकी महिमा भी गाई जाती है. दैट इज व्हाई ही इज आल्सो प्रेज्ड. उनकी महिमा में शिव जयंती मनाते हैं. शिव जयंती इज सेलिब्रेटेड इन हिज ग्लोरी. शिव जयंती मीनिंग द बर्थडे ऑफ शिव. और तो कोई की भी जयंती हीरे तुल्य नहीं है. द बर्थडे ऑफ नोबडी एल्स इज वर्थ डायमंड्स. एक बाप की ही जयंती हीरे तुल्य है. द बर्थडे ऑफ ओनली द वन फादर इज वर्थ डायमंड्स. तो बाप कहेंगे सो द फादर विल से बाप समान बनना है तो अच्छी चलन चलो. इफ यू विश टू बिकम इक्वल टू द फादर बिहेव प्रॉपर्ली. अच्छी चलन का चलने के लिए तो मनुष्य समझाते रहते हैं. पीपल कीप एक्सप्लेनिंग टू द अदर्स टू बिहेव प्रॉपर्ली. परंतु अच्छी चलन क्या है वो कोई समझा नहीं सकता. बट नोबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट गुड बिहेवियर इज. क्यों. व्हाई. क्योंकि कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप ही आकर के बतलाते हैं. इट इज बिकॉज ओनली द फादर कम्स एंड टेल्स अस अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ कर्म मीनिंग एक्शंस, अकर्म मीनिंग एक्शन विच डजंट रिजल्ट इन एनीथिंग एंड विकर्म मीनिंग ऑपोजिट एक्शंस. अगर मनुष्य मनुष्य को कर्म अकर्म विकर्म की गति सिखला सके. इफ वन ह्यूमन बींग कैन टीच द डायनेमिक्स ऑफ कर्म अकर्म एंड विकर्म टू अनदर ह्यूमन बींग. तो बाप को इस सृष्टि पर आने की दरकार है ही नहीं. देन देयर इज नो नेसेसिटी फॉर द फादर टू कम इन दिस वर्ल्ड एट ऑल. सब मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है. ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव देयर ओन पार्ट. सबको सतो रजो तमो में आना जरूर है. एवरीवन हैज टू पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ सतो रजो एंड तमो विदाउट फेल. परंतु एक ही आत्मा ऐसी है जो सतो रजो तमो में नहीं आती. बट देर इज ओनली वन सोल विच डज नॉट पास थ्रू सतो रजो एंड तमो स्टेजेस. वो सदा शिव है. ही इज फॉर एवर शिव. क्या कहते हैं. सदैव कल्याणकारी. वॉट इज सेड अबाउट हिम. ही इज फॉर एवर बेनेवोलेंट. कोई भी चीज तमो प्रधान बनती है तो अकल्याण कर देती है. When something becomes tamo pradhan, it causes harm. चाहे मनुष्य हो. Whether it is a human being. चाहे मकान हो, दुकान हो. Whether it is a house, whether it is a shop. कोई भी पदार्थ हो. Whether it is anything. जब पुराना हो जाएगा, तमो प्रधान होगा, तो दुखदायी हो जाता है. When it becomes old, when it becomes tamo pradhan, it becomes a cause of sorrow. लेकिन एक वो ऐसा है तुरिया. बट ही इज वन सच यूनिक सोल. जो कभी भी किसी का कोई नुकसान कोई कल्याण नहीं करता. वो सदैव सत्य ही सत्य है. हु नेवर ब्रिंग्स एनी लॉस एनी हार्म टू एनी वन. ही इज ऑलवेज ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ. न रजो और न तमो बनता है. ही नीदर बिकम्स रजो नॉर तमो. 6 जनवरी 1968 की वाणी का तीसरा पेज. थर्ड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 6th January 1968. कोई सतो रजो तमो में आते हैं. सम पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ सतो रजो तमो. तो फिर तमो में आने से उनकी चर्चा नहीं होती. सो व्हेन दे रीच द स्टेज ऑफ तमो दे आर नॉट प्रीस्ट. क्या. व्हाट. जब आत्मा तमो में आ जाती है तो विरोध करने वाले भी ढेर निकल पड़ते हैं. व्हेन अ सोल रीचेस द तमो स्टेज मेनी ओपोनेंट्स आल्सो इमर्ज. तमो में आने से क्राइस्ट की चर्च कैसे बनेगी.
हाउ विल द चर्च ऑफ क्राइस्ट बी बिल्ट व्हेन ही रीचेस द टमो स्टेज? चर्च कब बनती है? चर्च विचारणा करने के लिए. व्हेन इज द चर्च बिल्ट? टू प्रेज क्राइस्ट, टू रिफ्लेक्ट अपॉन रिलीजियस मैटर्स. जब सतोप्रदान होते हैं तो चर्च बनती है यादगार में. व्हेन दे दैट इज द रिलीजियस फादर्स आर सतोप्रधान, देन चर्चेस और अदर टेम्पल्स आर बिल्ट एज अ मेमोरियल. जब बहुत होंगे तो भक्ति मार्ग शुरू होगा. व्हेन दे दैट इज द फॉलोवर्स आर मेनी इन नंबर, द पाथ ऑफ डिवोशन विल बिगिन इन दैट रिलीजन. तब चर्च आदि बना देंगे. देन चर्चेस एक्सेट्रा विल बी बिल्ट. इसी में तो बहुत पैसे चाहिए. अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. लड़ाई में भी तो पैसे चाहिए ना. मनी इज रिक्वायर्ड फॉर वॉर टू, इजंट इट? दैट इज व्हेन मेनी ओपोनेंट्स इमर्ज. तो बाप समझाते हैं कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं. सो द फादर एक्सप्लेन्स, ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सो न्यूमरस. ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है. दिस इज अ ट्री इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड. झाड़ कब इतना बड़ा लाखों वर्ष का होता है क्या? इज एनी ट्री सो ओल्ड दैट इज 100,000 ईयर्स ओल्ड? स्थूल झाड़ तो लाखों वर्ष के होते नहीं. फिजिकल ट्रीज आर नॉट 100,000 दैट इज लैक्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. ये कौन सा झाड़ है? विच काइंड ऑफ ट्री इज दिस? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है. दिस इज अ ट्री इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड. और झाड़ों का इतनी लंबी आयु का हिसाब ही नहीं बनता. ऑल द अदर ट्रीज डू नॉट हैव सच अ लॉन्ग लाइफ स्पैन एट ऑल. परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का हिसाब बाप आकर के बतलाते हैं. बट द फादर कम्स एंड टेल्स अस द अकाउंट ऑफ द ट्री इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड. बाप समझाते हैं. द फादर एक्सप्लेन्स. बच्चों तुम कितने बेसमझ हो गए हो. चिल्ड्रन यू हैव बिकम सो फुलिश. अभी फिर तुम समझदार बनते हो. नाउ यू बिकम वाइज वंस अगेन. तुम पहले से ही तैयार होकर के आते हो राज्य करने के लिए. यू कम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू रूल. क्या? व्हाट? उनके राजा बनने में और तुम्हारे राजा बनने में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम बिकमिंग किंग्स एंड यू बिकमिंग किंग्स? तुम पूर्व जन्म से ही पढ़ाई पढ़कर राजाई की आते हो. यू कम हैविंग स्टडीड द नॉलेज ऑफ द किंगशिप इन द पास्ट बर्थ इटसेल्फ. फिर राज्य करते हो नई दुनिया में. देन यू रूल इन द न्यू वर्ल्ड. और वो? एंड व्हाट अबाउट देम? वो आते हैं तो आते ही वो धर्म पिता राजाई ने स्थापन करते. व्हेन दे कम दोज रिलीजियस फादर्स डू नॉट एस्टेब्लिश द किंगशिप एज सून एज दे कम. वो धर्म स्थापन करते हैं जब लाखों की तादाद हो जाती है, तब फिर राजाई की पढ़ाई पढ़ते हैं. दे एस्टेब्लिश अ रिलीजन व्हेन द नंबर ऑफ देयर फॉलोवर्स रीचेस 100,000s, देन एट दैट टाइम दे स्टडी द नॉलेज ऑफ द किंगशिप. परंतु राजाई तो कोई दे न सके. बट नोबडी कैन गिव द किंगशिप. वो धर्म पिता तो अकेले ही आते हैं. दोज रिलीजियस फादर्स कम अलोन. फिर उनकी वृद्धि होती है. देन द एक्सपेंशन ऑफ देयर रिलीजन टेक्स प्लेस. मैं आता हूँ तो अकेला आता हूँ क्या? व्हेन आई कम डू आई कम अलोन? क्यों? समवन सेड नो. व्हाई? तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ. एवरीवन सेड विद द थ्री मूर्ति. आई कम विद थ्री मूर्तीज मीनिंग पर्सनैलिटीज. तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है. सो दिस इज अ ट्री इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड. इसका फाउंडेशन थुर है और देवी देवता धर्म है. इट्स फाउंडेशन एंड ट्रंक इज द डेटी रिलीजन. उनसे फिर तीन तबके निकलते हैं. देन थ्री सेक्शंस इमर्ज फ्रॉम इट. फिर उनसे सृष्टि की वृद्धि होती है. देन द वर्ल्ड ग्रोस फ्रॉम इट. बाद में छोटे छोटे जो मठ पंत आते हैं, द स्मॉल सेक्ट्स दैट इमर्ज लेटर ऑन, उनकी भी कुछ न कुछ महिमा हो जाती है. दे टू ऑब्टेन ग्लोरी टू सम एक्सटेंट. अरविंद घोष की हिस्ट्री है ना. देयर इज द हिस्ट्री ऑफ अरविंद घोष, इजंट देयर? पांडिचेरी में जाए उन्होंने वेश बदल लिए. ही वेंट टू पांडिचेरी एंड चेंज्ड हिज अपीयरेंस. क्या? व्हाट? बंगाल से भागा. फिर कहां पहुंचा? ही रैन अवे फ्रॉम बंगाल एंड
वेर डिड ही रीच दक्षिण भारत में पांडुचेरी में पहुंचा ही रीच्ड पांडिचेरी इन साउथ इंडिया पांडुचेरी माने व्हाट डज पांडिचेरी मीन पांडवों की चेरी चेरी ऑफ पांडवास चेरी माने दासी चेरी मीन्स मेड जो पांडवों की दासी है जिसकी यादगार में नाम पांडुचेरी पड़ा ही वेंट टू द मेड ऑफ पांडवास इन हुज मेमोरी द नेम पांडिचेरी वॉज गिवन वहाँ जाए करके उसने वेश बदल लिया आफ्टर गोइंग देयर ही चेंज्ड हिज अपीयरेंस फिर अपनी आश्रम जमाई ली देन ही एस्टैब्लिश्ड हिज आश्रम देयर समझा जाता है कि जरूर कोई अच्छी सोल ने प्रवेश किया है इट इज अंडरस्टूड दैट सर्टेनली सम गुड सोल हैज एंटर्ड उनका हिसाब किताब ही ऐसा था हिज कार्मिक अकाउंट इटसेल्फ वाज लाइक दिस परंतु भला अच्छी सोल ने प्रवेश किया Although a good soul entered him, फिर भी तो कोई फायदा तो नहीं हुआ There was no benefit. अरे अरे फिर मिसाल क्यों दिया Then why was the example given? जरूर ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में कोई अरविंद है Certainly, there is an Arvind in the confluence age world of Brahmins. अरविंद माना What does Arvind mean? कमल का फूल The lotus flower. जो कमल फूल से समान जीवन बिताने वाला है The one who leads a lotus-like life. त्रिमूर्ति में या विष्णु के चित्र में कमल का फूल भी तो दिखाया है A lotus flower has also been shown in the picture of the Trimurti or in the picture of Vishnu. शंकर को कमलासन पर बैठे हुए दिखाते हैं ना शंकर is shown to be sitting on a lotus seat in the path of devotion, isn't he? तो बोला So it was said. देखो अरविंद के लाखों मनुष्य उनके मुरीद बने Look. Lacks of people became the followers of Arvind. परंतु वो सब सीढ़ी उतरते उतरते दुर्गति को पाते रहते हैं. But all of them descend the ladder and undergo degradation. सबको सीढ़ी उतरनी ही है. Everyone has to definitely descend the ladder. वो तो जो स्थूल पांडिचेरी है और वहाँ जाए जमावड़ा बनाने वाला जो अरविंद हुआ हिस्ट्री में उनकी बात हुई दैट वॉज अबाउट द फिजिकल पांडिचेरी एंड अरविंद हु मोबिलाइज्ड अ गैदरिंग देयर एज मेंशन्ड इन द हिस्ट्री यहाँ कौन सा अरविंद है हु इज अरविंद हियर जिससे टैली किया है विद हुम ही हैज बीन टैलीड वो तो सीढ़ी उतरता ही रहा दैट वन इंडीड कंटिन्यूड टू डिसेंड द लैडर लेकिन यह तो बट वॉट अबाउट दिस वन चढ़ता ये तो सीढ़ी चढ़ता ही जाता है कौन दिस वन कंटिन्यूज टू क्लाइंब अप द लैडर हु जो बेहद का अरविंद है उसको सीढ़ी चढ़ना ही है या उतरना ही है डज द अनलिमिटेड अरविंद हैज टू जस्ट क्लाइंब अपस्टेयर्स और डज ही जस्ट हैव टू डिसेंड चढ़ना ही है ही जस्ट हैज टू क्लाइंब बाप कहते हैं और तो सबको सीढ़ी उतरनी है द फादर सेज ऑल द अदर्स हैव टू कम डाउन द लैडर दैट इज एक्सपीरियंस डाउनफॉल कहेंगे शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है दे विल से इट हैज बीन रिटन लाइक दिस इन द स्क्रिप्चर्स परंतु बाप समझाते हैं बट द फादर एक्सप्लेन्स गीता माई बाप है द गीता इज द मदर एंड द फादर और वो गीता ही झूठी हो गई तो और सब शास्त्र जरूर झूठे हो जाएंगे एंड इफ द गीता इटसेल्फ बिकम्स फॉल्स ऑल द अदर स्क्रिप्चर्स टू विल सर्टेनली बिकम फॉल्स उनमें फिर क्या होगा देन व्हाट विल दे हैव इन देम हम कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाई लिए है वी से दे हैव एक्सपीरियंस्ड डिग्रेडेशन व्हाइल रीडिंग द गीता तो और शास्त्र भी पढ़ते पढ़ते नीचे ही उतर रहते हैं सो They experience downfall by reading other scriptures as well. चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो Whether it is the Quran, whether it is the Bible. पढ़ते पढ़ते mentality नीचे गिरी है या ऊपर चढ़ी है Has the mentality gone down or has it risen up by reading them? Everyone said
इट हैज गॉन डाउन। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। दीज आर थिंग्स टू बी अंडरस्टूड थ्रू द इंटेलेक्ट। एक अरविंद गीता भी है। देयर इज आल्सो वन गीता बाय अरविंद। अरविंद गीता पढ़ते पढ़ते भी नीचे गिरे। पीपल एक्सपीरियंस्ड डाउनफॉल व्हाइल रीडिंग द गीता ऑफ अरविंद एज वेल। कुरान आदि पढ़ते नीचे उतरते है ना। पीपल एक्सपीरियंस डाउनफॉल व्हाइल रीडिंग द कुरान एटसेट्रा। डोंट से ऊपर तो कोई नहीं जाएंगे। Nobody will rise up. नीचे उतरना ही है। They surely have to experience downfall. सिर्फ मनुष्य समझेंगे कि ये भक्त आदमी है। The people will just understand that he is a devotee. परंतु वास्तव में सतोप्रधान भगत बनकर रहते हैं क्या? But actually, do they remain सतोप्रधान devotees? नहीं। No. सब नीचे उतरते हैं। All experience downfall. उस भक्ति करने से तो और ही ठगत बनते हैं। All the more they become deceivers by doing that bhakti. ज्ञान मार्ग में? And what about the path of knowledge? ज्ञान मार्ग में आने वाले ज्ञान में चलते चलते नीचे नहीं गिरते? In the path of knowledge, don't those who enter the path of knowledge experience downfall? While following the knowledge, गिरते हैं। They do experience downfall. भक्ति में भी नीचे गिरते हैं। People experience downfall in bhakti as well. फिर? Then? बल नीचे गिरते हैं। Although they experience downfall, परंतु याद की जो सच्ची प्रैक्टिस है, उसमें ऊंचे चढ़ते हैं या नीचे गिरते हैं? But do they rise up or fall down? In the true practice of remembrance, everyone said they rise up. वो लगातार याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है. That practice of remembrance keeps increasing continuously. तो देखो, बाबा जो धर्म स्थापन करते हैं, वो तो जरूर बहुत ऊंचा है. So look, the religion that Baba establishes is definitely very elevated. कितनी ताकत है बाबा के इस धर्म स्थापन करने में? There is so much power in the establishment of this religion by Baba. बड़ी बड़ी धारणा कौन सी होती है तुम्हारी? What is your greatest dharana? Meaning practice. याद की धारणा पक्की होती जाती है. The dharana of remembrance becomes firm gradually. बाप कितना सर्वशक्तिवान है. The father is so almighty. सारा वर्षा तुमको दे देते हैं. He gives you the entire inheritance. परंतु मनुष्यों ने सृष्टि की आयु लाखों वर्ष कह दी है. But the human beings have mentioned the age of the world to be 100,000s of years. तो समझते कुछ भी नहीं है. So they do not understand anything. बाप तुमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं. The father makes you the master of the entire world. फिर भी बच्चे ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं. Even so, the children forget such a father again and again. तिरकनी वस्तु है ना? He is a slippery thing, meaning something intangible, isn't he? कौन? Who? शिव बाबा बुद्धि में से तिरक जाने वाली वस्तु है ना? शिव बाबा is a thing that slips from the intellect, isn't he? कोई अच्छी रीति याद करते हैं तो पद भी ऐसा पाते हैं. Those who remember शिव बाबा nicely also obtain an equally nice post. तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है नरसिंह नारायण बनने की. यू ऑल्सो हैव द एम एंड ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ मैन टू नारायण. तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए. यू चिल्ड्रन शुड फील वेरी हैप्पी. परंतु हाउएवर बाप इतना समझाते हैं तो भी बंदर बुद्धि बदलते ही नहीं. ऑल्दो द फादर एक्सप्लेन्स सो मच दोज विद अ मंकी लाइक इंटेलेक्ट डू नॉट चेंज एट ऑल. कहते हैं इट इज सेड दैट शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए. अ गोल्डन यूटेंसिल इज रिक्वायर्ड फॉर द मिल्क ऑफ अ लायनेस. क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? है यहाँ शेरनी कौन है? हु इज द लायनेस हियर? शेर और शेरनी. शेर होगा तो शेरनी भी होगी. द लायन एंड द लायनेस. If there is a lion, there will be a lioness as well. तो ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकली, So
whatever versions emerged from the mouth of Brahma, वो ब्रह्मम वाक्यम शास्त्रों में कहा गया है, is called ब्रह्मम वाक्यम in the scriptures. वो पत्थर की लकीर है, that is like a line drawn on the stone. परंतु वो वाणी उनकी ही बुद्धि में बैठेगी, जिनकी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होगा. But those versions will fit into the intellect of only those whose utensil-like intellect is of gold. सच्चा सोने का बर्तन नहीं होगा. If it is not a utensil of real gold. विकारों की खाद पड़ी हुई होगी. If there is an alloy of vices in it. तो वो ज्ञान बुद्धि को फोड़ करके बुद्ध रूपी पात्र को फोड़ करके बाहर निकल जाएगा. Then that knowledge will break the utensil-like intellect and come out. फैल जाएगा. It will disperse. यहाँ तो देखो ठिकरी के बर्तन हैं. Look, here there are such broken utensils of clay. कैसे कैसे ज्ञान में चलते हैं. What kinds of souls follow the path of knowledge? थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और यह टूटे. They suffer just a small blow of maya and they break immediately. कहेंगे ठिकर बुद्धि. It will be said they have an intellect like a lump of soil. फिर ऐसों में भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं. Then they consider God to be present in such people as well. क्या? What? जो पत्थर बुद्धि हैं, ठिकर बुद्धि हैं, उनमें भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं. They consider God to be present even in those who have a stone-like intellect, who have an intellect like a lump of soil. देखो बैठे बैठे इनके हार्ट फेल हो जाते हैं. इसकी तरफ इशारा किया. Look, these people suffer heart failure while sitting. Towards whom was the hint given? ब्रह्मा की तरफ. पहले तो ब्रह्मा की बात. First, it is about ब्रह्मा. फिर ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो भी ठिकर बुद्धि हैं, उन सब की ओर ये बात लागू हो जाती है. Then it applies to all the followers of ब्रह्मा with an intellect like a lump of soil. क्या? What? थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और मिट्टी के ढेले की तरह बिखर जाते हैं. They receive a small blow of माया and they scatter like a lump of earth. वहाँ नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है. It does not happen like this over there in the new world. कैसे? Like what? वहाँ नई दुनिया जो स्थापन होती है कहाँ? The new world that is established there. Where? Satyuga. Everyone said in the golden age. नहीं, सतयुग में तो ठोकर कोई लगती नहीं. No, in the golden age, we do not suffer any blow of Maya at all. कहाँ की बात है? It is about when? संगम युग. स्वर्णिम संगम युग जब होता है. Everyone said the confluence age. Yes, when it is the confluence age, golden confluence age. जो नया संगठन तैयार होता है. The new gathering that is prepared. वहाँ ऐसे थोड़े ही होंगे अनिश्चय बुद्धि जो थोड़ी सी ठोकर लगे और बिखर जाए. There will not be such ones with a doubtful intellect who scatter just by suffering a small blow of Maya. वहाँ तो जब आयु पूरी होती है तब ही शरीर छोड़ेंगे. Over there, we will leave the body only after completing the lifespan. और खुशी से छोड़ेंगे. And we will leave it happily. यहाँ देखो ठिकर कितनी जल्दी टूट जाते हैं. Look, here the lumps of soil break so quickly. क्योंकि ठिकर बुद्धि बन पड़े हैं ना. Because they have become the ones with an intellect like lump of soil, haven't they? अभी तुमको ठिकरी से ठाकुर बनाते हैं. Now you are transformed to a lord, meaning thakur, from a thikari, meaning broken pieces of clay. बनाने वाला है बाप. The maker is the father. तुम्हारे में भी कोई तो जैसे बहुत sensible है. Even among you, some are very sensible. क्या? What? ऐसे नहीं advance में सब sensible है, समझदार है. It is not that everyone in the advance party is sensible, intelligent. तुम्हारे में भी कोई तो बहुत सेंसिबल है और कोई ठिकर बुद्धि है. इवन अमंग यू सम आर वेरी सेंसिबल एंड सम पजेस एन इंटेलेक्ट लाइक अ लंप ऑफ सोइल. कुछ भी बुद्धि में धारणा नहीं होती. द इंटेलेक्ट इज अनेबल टू इंटरप्रेट एनीथिंग. धारणा नहीं होती है.
when they do not inculcate, तो थोड़ी सी ठोकर लगती है और मिट्टी के ढेले की तरह बिखर जाते हैं. They scatter like a lump of soil just by receiving a small blow of Maya. पढ़ाई कितनी बड़ी है. The knowledge is so vast. कितनी बड़ी? कैसे? It is so vast. How? वो यूनिवर्सिटी होती है वो छोटी है. Are those universities small? उनका नाम है यूनिवर्सिटी. Their name is university. क्या? What? यूनिवर्स माने? What does universe mean? सारी दुनिया की हो पढ़ाई पढ़ाने वाली उसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी. The institute that teaches the entire world is called university. तो वो जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज खुली हुई है वो छोटी है. So the universities that are open in the world are small. और तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे? And your university? Everyone said it is big. How? है? नहीं. अरे बाप पढ़ाते हैं कोई भी पढ़ाते बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे है? Someone said God the Father teaches. No. अरे whether the father teaches or anyone else teaches, how is it a big university? सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की जो भी आत्मा है सब आकर इस यूनिवर्सिटी में कुछ न कुछ पढ़ाई पढ़ती जरूर है. All the human souls of the entire world come to this university and definitely study knowledge to some extent. सब की सदगति होती है. Everyone attains true salvation. वो तो सिर्फ नाम लिख देते हैं विश्वविद्यालय. They simply write the name worldly university. परंतु सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण होता है क्या? नहीं. But are the souls of the entire world benefited? Everyone said no. और एक यूनिवर्सिटी है या ढेर यूनिवर्सिटी है? And is there one university or are there many universities? ढेर यूनिवर्सिटीज होती है और कल्याण? कल्याण किसी एक देश का भी नहीं होता. There are many universities but not even a single country is benefited. परंतु वो यूनिवर्सिटी नाम मात्र रखते हैं. But they name it a university for namesake. वास्तव में वो कोई यूनिवर्सिटी है नहीं. Actually, it is not a university. विश्व माना सारी दुनिया के लिए जो यूनिवर्सिटी हो उसको कहें यूनिवर्सिटी. The university which is for विश्व meaning the entire world is called a university. ठीक कर से ठाकुर सिर्फ तुम ही बनते हो. Only you are transformed into lords from lumps of soil. अभी तुम समझते हो बरोबर हम ठीक कर बुद्धि थे. Now you understand we indeed had an intellect like lump of soil. बाप कितना ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करते हैं. The father makes us do पुरुषार्थ to become so great. बाप कहते हैं हमारा तो काम ही है पुरुषार्थ करना. The father says my task itself is to enable you to make पुरुषार्थ. बाप का काम है पुरुषार्थ कराना या करना? The father's task is to enable us to make पुरुषार्थ or is it to make पुरुषार्थ himself? कराना. कौन से बाप का काम है पुरुषार्थ कराना? Everyone said to enable us to do so. Which father's task is it to enable us to make पुरुषार्थ? बाप तो बेहद के दो हैं. There are two unlimited fathers. शिव बाबा. जिसे हम कहते हैं शिव बाबा. It is the one whom we call शिव बाबा. बाबाएं तो दुनिया में ढेर होते हैं. There are many babas in the world. जो भी बाबाएं होते हैं वो सब साकार शरीरधारी होते हैं. All the babas are corporeal bodily beings. लेकिन ये? But this one? ये शिव बाबा है. This one is शिव बाबा. जिसको हम शिव बाबा कहते हैं. The one whom we call शिव बाबा. वो ही पुरुषार्थ कराने वाला है. He himself is the one who enables us to make पुरुषार्थ. अगर उसमें से शिव निकाल दें? If we remove the word शिव from it. और सिर्फ बाबा रह जाए? And only the word बाबा remains. तो कोई भी बाबा कहलाने वाला पुरुषार्थ नहीं करा सकता. Then no person who is called बाबा can enable us to make पुरुषार्थ. पुरुष माना? आत्मा. पुरुष means soul. अर्थ माना? अर्थ means for. आत्मा. माने आत्मा के कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं कराता.
it means that nobody enables us to do anything for the benefit of the soul. सब किसके लिए कराते हैं? For what purpose does everyone enable us to perform tasks? देह का कल्याण करने के लिए, एक जन्म के लिए कराते हैं. They enable us to make purushartha for one birth to bring the benefit of the body. पढ़ाई पढ़ावेंगे तो भी? Even if they teach knowledge, एक जन्म की एक शरीर से कनेक्टेड जो भी पढ़ाई है वो कल्याण कराते हैं. It is for one birth. The study connected with the body brings benefit for one birth. तो देखो, बाप ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं. So look, the father enables us to make such purushartha. जो राजधानी में नंबर वार पास होंगे. That we will pass number wise according to purushartha in the test of going to the capital. जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे, उतने ही पास मार्क्स मिलेंगे. The more we study, the more pass marks we will obtain. फिर भी, nevertheless, तारना सबकी करते हैं. He takes everyone across. माना, कोई ऐसा नहीं रहता जो इस विषय वैदरी नदी में डूब जाए. It means that no person remains who would drown in this river of vices. कोई रहता है? Does anyone remain? एक जन्म लेने वाली आत्मा होगी. वो इस विषय वैतरणी नदी में ही रह जाएगी. Will the soul that has one birth remain in this river of vices? ये जाकर के नया जन्म लेगी? नहीं. Or will it go and have a new birth? सबको एक जन्म की कम से कम सदगति मिलेगी, जरूर मिलती है. Certainly everyone obtains true salvation for at least one birth. बाप को तरस तो पड़ता है ना? The father definitely feels mercy, doesn't he? रूहानी बाप है. He is the spiritual father. किसका बाप है? Whose father is he? रूहों का बाप है. He is the father of the spirits. ज्ञान में आने के बाद विकार में गिरते हैं. There are some who indulge in vices after entering the path of knowledge. फिर क्या होता है? Then what happens? अगर ज्ञान में आते हैं और ज्ञान में आने के बाद वे माने विपरीत. If they enter the path of knowledge and after entering the path of knowledge, V means विपरीत, meaning opposite. कार माने कर्म, विकार. कार means कर्म, that is विकार, meaning the vices. जो श्रीमत है उसे श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करके भोग भोगते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? If they perform actions against the श्रीमत and enjoy pleasures, then what is the result? ऐसे भोग भोगने वालों का ऊंच पद पाना बहुत मुश्किल है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अ हाई पोस्ट फॉर सच पीपल हु एंजॉय प्लेजर्स. सदगुरु की निंदा कराने वाले, दोज हु ब्रिंग द डिफेमेशन ऑफ द सदगुरु. फिर सदगुरु को क्या करना होता है? देन व्हाट डज द सदगुरु हैव टू डू? सदगुरु उनको ऊंच ठौर नहीं दे न सके. The Sadguru cannot give them a high place. वो गुरु लोग अपने ऊपर ले लेते हैं. Those gurus apply this to themselves. वो भी सुनाते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे. They too narrate सदगुरु निंदक ठौर न पावे, meaning the one who brings the defamation of the Sadguru cannot find a place. अब उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा ठौर है? Well, ask them, which place do you have? मठपंथ बनाई लिया, वो ठौर है. You established the Matpanth, meaning religious sects. Is that the place? किसी को चेला बना लेंगे. They make someone their disciple. खुद मर जाएंगे, फिर चेला क्या बन जाएगा? When they die, what will the disciple become? गुरु बन जाएगा. He will become the guru. वो भी वही धंधा करेगा. He will also do the same business. तो यही ठौर देते हैं क्या? So, is this the place they give? उसका दुनिया में कोई गायन है? Is it praised in the world? बाप जो ठौर देते हैं, वो ठौर का तो दुनिया में गायन है. The place that the father gives is praised in the world. सब धर्मों में गायन है. It is praised in all the religions. क्या? What? सिमरण है. क्या? It is chanted. What? माला. हर धर्म में माला सिमरी जाती है. It is the rosary, माला. The rosary is chanted in every religion.
और माला के मणके स्मरण करते हैं, किसकी यादगार है? एंड द बीड्स ऑफ द रोजरी आर रिमेम्बर्ड, हुज मेमोरियल इज इट? नंबर बार ऊंच पद पाने वालों की यादगार मणके हैं। द बीड्स आर द मेमोरियल्स ऑफ दोस हु अचीव अ हाई पोस्ट नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ। कोई ने ऊंचे मणके का पद पाया, सम अचीव्ड द पोस्ट ऑफ अ बीड इन अ हायर रैंक, और कोई ने नीचे मणके का पद पाया, एंड सम अचीव्ड द पोस्ट ऑफ अ बीड इन अ लोअर रैंक। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जितना सदगुरु की निंदा कराने वाला बना उतना नीच माला में और नीच मणका बनता है। द मोर समवन बिकम्स इंस्ट्रूमेंट इन ब्रिंगिंग द डिफॉर्मेशन ऑफ द सदगुरु, ही ऑब्टेन्स अ प्लेस इन अ लो रैंकिंग रोजरी and becomes the lowest bead to that extent. Rudramala 500 crore ki bhi to hai. There is a Rudramala, meaning the rosary of Rudra, consisting of 500 crore, that is 5 billion souls as well. 500 crore ki mala mein koi sabse jaasti niche gir jaye? If someone experiences the maximum downfall in the rosary of 500 crore, to kya sabit hoga? What will it prove? को उसने बहुत ही ग्लानी की। It proves that he brought a lot of defamation. तो ये बात यहाँ की है क्या? So this topic is of this time. What? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। सबसे कड़ा है काम महाशत्रु। The most difficult one to defeat is lust, the biggest enemy. बच्चे जन्मपत्री भी बताते हैं। The children also tell their life story, Janmapatri, meaning actually horoscope. Here Baba is talking about life story. Baba कहते हैं? Baba says, अगर नगन हुए हो, तो बताओ। Tell me if you have become naked. बताएंगे तो हल्के हो जाएंगे। If you tell him, you will become light. क्या? What? नहीं बताएंगे? तो भारी होते जाएंगे? If you do not tell him, You will become heavy day by day. सच तो बिठो नच। सच तो बिठो नच, meaning if you are true, you will keep dancing. सच्चा पोता मिल देंगे? If you give your true पोता मिल, तो दिल अंदर हल्के होने से नाचते रहेंगे। You will keep dancing because of being light in your heart. बाकी थोड़ा बहुत है। As for the rest, some portion of the sins will remain. जो रह जाएगा बताने से आधा माफ हो जाता है। Half of the sins are pardoned by revealing it to the father. और ना बताने से 100 गुना बोझ चढ़ता रहता है। And 100 times burden keeps accumulating by not revealing it. तो जो कुछ थोड़ा बहुत है वो योग बल से कटता जाएगा। So whatever little remains will be cut, meaning destroyed by the power of yoga. मुख्य है ही याद का बल। The main thing is indeed the power of remembrance, जिससे पाप कट जाएंगे। Through which the sins will be destroyed. याद की प्रैक्टिस करते करते क्या होगा? What will happen while practicing remembrance? ये शरीर भी भूल जाएगा। This body also will be forgotten. याद की प्रैक्टिस करते करते शरीर कैसे भूल जाएगा? How will the body be forgotten while practicing remembrance? निराकार को याद करने से शरीर भूल जाएगा या साकार को याद करने से शरीर भूल जाएगा? Will the body be forgotten by remembering the incorporeal one or by remembering the corporeal one? फिर साकार में निराकार करने को याद करने को बोला? Everyone said by remembering the incorporeal. Then it has been said to remember the incorporeal one within the corporeal one. साकार साकार भी साथ में है तो साकार ही बनेंगे ना। Someone said something. The corporeal one, when the corporeal one is also with the incorporeal one, we will become corporeal, won't we? नहीं। क्यों? A mother said no. Why? जिस साकार में आता है वो साकार भी सबसे पहले निराकारी स्टेज धारण करता है। The corporeal one in whom he comes, that corporeal one also achieves the incorporeal stage first of all. और practical में धारण करता है। And he imbibes it in practical. क्या?
व्हाट प्रैक्टिकल में इन प्रैक्टिकल वो ज्योति बिंदु वो तो 5000 साल परमधाम में रहता है दैट पॉइंट ऑफ लाइट लिव्स इन द सुप्रीम अबोड फॉर 5000 इयर्स लेकिन प्रैक्टिकल में निराकार कहा जाएगा क्या बट विल ही बी कॉल्ड इनकॉर्पोरियल इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कहा ही जाता है शरीर के साथ इट इज सेड टू बी प्रैक्टिकल ओनली विद द बॉडी ये पुराना शरीर है दिस इज एन ओल्ड बॉडी किस पुराने शरीर को अब क्या करेंगे What will you do with this old body now? सब तमोप्रधान हो गए All have become तमोप्रधान कोई भी झाड़ की इतनी बड़ी कब आयु सुनी क्या Did you ever hear of such a long age of any tree? लाखों वर्ष बताए देते हैं They mention it to be lakhs of years. परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो सब बातों में हाँ हाँ करते रहते हैं बट द इंटेलेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैज बिकम सच दैट दे कीप सेइंग यस यस फॉर एवरीथिंग शास्त्रों में इतने लंबे समय से सृष्टि की आयु हजारों लाखों वर्ष बताई द एज ऑफ द वर्ल्ड वॉज मेंशन्ड टू बी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द स्क्रिप्चर्स और सुनने वालों ने क्या कहा एंड वॉट डिड द लिसनर्स से सत्वचन महाराज दे सेड सत्वचन महाराज मीनिंग व्हाट यू से इज ट्रू सर कोई ने कहा कि ये नहीं हो सकता डिड एनीवन से दैट इट इज नॉट पॉसिबल समवन सेड दे डिडंट से वो देखो सुनाने वाले शास्त्रों की अथॉरिटी बने हैं लुक दोज नरेटर्स हैव बिकम एन अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स उनको कितना नशा रहता है दे फील सो इंटॉक्सिकेटेड क्या What? है शास्त्रों की अथॉरिटी They are just the authorities of the scriptures. ईश्वरीय ज्ञान की अथॉरिटी नहीं है And not an authority of divine knowledge. तो उनको कितना नशा रहता है Yet they feel so intoxicated. और तुम And what about you? तुम लिमिटेड की अथॉरिटी हो या अनलिमिटेड की अथॉरिटी हो Are you an authority of the limited? Or an authority of the unlimited? Everyone said the unlimited. शास्त्र पुस्तकें होती हैं. The scriptures are books. उनमें बंधा हुआ ज्ञान है या unlimited ज्ञान है? Do they contain limited knowledge or unlimited knowledge? वो तो बंधा हुआ ज्ञान है. शास्त्र में जितना लिखा होगा उतना ही शास्त्रकार सुनावेंगे, पंडित सुनावेंगे, धर्माचारी सुनावेंगे. That is limited knowledge. The people well versed in the scriptures, pandits, religious teachers will narrate only what is written in the scriptures. सुना हुआ फिर दूसरों को सुनावेंगे? Whatever they have heard, they will narrate to the others later on. कोई नई बात तो नहीं बताएंगे? They will not say anything new. और यहाँ बाप तो अनलिमिटेड ज्ञान सुनाते हैं, इस ज्ञान को पुस्तकों में बांधा नहीं जा सकता. Whereas Here the father narrates unlimited knowledge. This knowledge cannot be bound in books. इसलिए गायन है सारे सागर को स्याही बनाओ. That is why there is the praise. If you make the entire ocean into ink. और सारे जंगल की कलमें बनाओ. And if you convert the entire jungle into pens. और वो सब कलमों से लिखना शुरू किया जाए. And if you start writing with all those pens. तो भी ये ज्ञान खलास होने वाला नहीं है येट दिस नॉलेज इज नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट बात में से बात बाल में से खाल निकालते चले जाओ यू कैन गो ऑन एक्सपांडिंग इट टू एनी एक्सटेंट कितने भी प्रश्नोत्तर करते जाओ सब प्रश्नों का समाधान मिलता है इस ईश्वरी ज्ञान में मिलता है यू मे आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू गेट द सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन दिस डिवाइन नॉलेज उन शास्त्रकारों के ज्ञान से सब प्रश्नों का समाधान मिलता है क्या नहीं डू यू गेट द सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दोस पीपल वेल वर्स्ड इन द स्क्रिप्चर्स नहीं प्रश्न करने ही नहीं देते यू डू नॉट गेट इट दे डू नॉट अलाउ यू टू रेज क्वेश्चंस एट ऑल वो सभा में प्रश्न किसी को करने की इजाजत ही नहीं देते क्यों नहीं देते They do not give permission to anyone to ask questions in the gathering at all. Why don't they permit it? क्योंकि उनके पास उत्तर ही नहीं है क्योंकि अंदर से चुपडरा बैठा हुआ है
बिकॉज देयर इज अ फियर विदिन. कहीं कोई बात का जवाब नहीं दे पाया तो है? व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू गिव अ रिप्लाई टू एनी क्वेश्चन. तो हम शास्त्र पढ़ पढ़ के अथॉरिटी बन जाए ताकि हमको कोई दबा नहीं सके. दे थिंक सो वी शुड बिकम एन अथॉरिटी बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स सो दैट नोबडी कैन सप्रेस अस. तो उनको देखो कितना नशा रहता है. सो लुक दे हैव सो मच इंटॉक्सिकेशन. है और तुमको? एंड व्हाट अबाउट यू? बेहद गनजा. अ मदर सेड द अनलिमिटेड इंटॉक्सिकेशन. हाँ बेहद गनजा. आज चढ़ता है कल उतर जाता है. वेर इज द अनलिमिटेड इंटॉक्सिकेशन? इट राइजेस टूडे एंड ड्रेन्स डाउन टूमोरो. बेहद का नशा रहना चाहिए तुमको. एक्चुअली इट इज यू हु शुड हैव द अनलिमिटेड इंटॉक्सिकेशन. लेकिन रहता है उनको. बट इट इज दे हु हैव इट. बाबा कहते हैं ये तो जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं. बाबा सेज दीज पीपल हु कॉल देमसेल्व्स गॉड. ये बड़े बड़े हिरण्यकश्यप हैं. आर बिग हिरण्यकश्यप मीनिंग अ डिमन किंग हु वांटेड हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड गॉड. क्या? व्हाट? हिरण्यकश्यप माने? व्हाट डज हिरण्यकश्यप मीन? जो जो सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माएं हैं उनके अंदर जो तेज है सच्चाई का. द पावर ऑफ ट्रूथ दैट इज कंटेंड विद इन द ट्रू गोल्ड लाइक सोल्स. उस तेज को ही पी जाते हैं. दे ड्रिंक दैट वेरी पावर. माने प्योरिटी को ये खत्म करने वाले हैं. इट मीन्स दैट दे आर द वंस हु एंड द प्योरिटी. सन्यासियों के लिए बोला. इट वॉज सेड अबाउट द सन्यासीज. सन्यासी जब खाना खाते हैं. When sannyasis eat food, तो सारी थाली ही चाट जाती है. They leak out the servings of the entire thali, that is plate. क्या? What? नाम क्या रखा उसका? What was the name given to it? था? ली. था ली. था माने था. था means था हा, meaning depth. नदी गहरी होती है, समंदर गहरा होता है, तो उसकी था लेते हैं. A river is deep, an ocean is deep, so its depth is measured. तो ऐसे ही वो सारी थाली चाट जाते हैं. Similarly, they lick out the entire plate, meaning consume the servings of the entire plate completely. साफ कर देते? They clean it up. ये अपन को ईश्वर कहलाए अपनी पूजा बैठ कराते हैं. They call themselves God and make people worship them. क्या? What? ये नहीं कहते कि ईश्वर कोई और है. They do not say that someone else is God. एक तरफ कहते हैं अकर्ता है, अभोक्ता है, निरंजन है, निराकार है. On one side they say he is akarta, meaning the one who is beyond the effect of actions. अभोक्ता मीनिंग द वन हु डज नॉट एंजॉय एनी प्लेजर. निरंजन मीनिंग द वन हु इज स्टेनलेस. निराकार मीनिंग इनकॉर्पोरियल. और दूसरी तरफ फिर अपने को शिवोहम कह देते. एंड ऑन द अदर साइड दे कॉल देमसेल्व्स शिवोहम मीनिंग आई एम शिव. थाली कहाँ चढ़ते? अ मदर आस्क्ड व्हाट डज थाली मीन इन एन अनलिमिटेड सेंस हियर. बेहद में थाली चाट रहे होंगे तो नीचे गिर रहे होंगे. इन एन अनलिमिटेड सेंस इफ दे आर लीकिंग आउट अ प्लेट इन एन अनलिमिटेड सेंस दे मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग डाउनफॉल. हद में भी तो बेहद में भी. इन अ लिमिटेड सेंस एज वेल एज इन एन अनलिमिटेड सेंस. आगे ऐसे नहीं कहते थे. अर्लियर दे डिड नॉट यूज टू से दिस. कैसे? वॉट? शिवोहम. शिवोहम आई एम शिव. आगे कहते थे हम उसकी रचना और उसकी उस रचयिता और रचना को नहीं जानते. अर्लियर दे यूज टू से वी डू नॉट नो दैट क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन. नेति नेति कहते थे. दे यूज टू से नेति नेति. हम उसके आदि मध्यंत को नहीं जानते. अब क्या कहते हैं? वी डू नॉट नो इट्स बिगिनिंग मिडल एंड एंड. What do they say now? जानते हम ही शिव हैं.
वी अवर सेल्व आर शिव. ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है. ब्रह्मास्मि मीनिंग वी अवर सेल्व आर ब्रह्मा. अगर युग युग अवतार कहते हैं, इफ दे से गॉड इनकार्नेट्स इन एवरी एज, गीता में क्या लिखा है? संभवामी युगे युगे. वॉट इज रिटन इन द गीता? संभवामी युगे युगे. तो भी चार युग है ना. इवन इफ दैट वर द केस, देर आर फोर एजेस, aren't there? तो चार युगों में कितने अवतार होने चाहिए? सो हाउ मेनी इनकार्नेशंस शुड देर बी इन फोर एजेस? चार अवतार होने चाहिए. देर शुड बी फोर इनकार्नेशंस. उन्होंने कितने बनाए दिए? हाउ मेनी हैव दे शोन? 24 अवतार बनाए दिए. दे हैव शोन 24 इनकार्नेशंस. और फिर कहते हैं पत्थर ठिक्कर भीतर कण कण में है. एंड देन दे से ही इज प्रेजेंट इन स्टोन्स, लंप्स ऑफ सॉइल, वॉल्स एंड एवरी मॉलिक्यूल. तो कितने अवतार हो गए? सो हाउ मेनी इनकार्नेशंस डज इट मेक इन टोटल? तो शुमार ही नहीं. इट इज अनकाउंटेबल. पांचवा पुरुषोत्तम युग को गीता में भी भूल गए हैं. दे हैव फॉरगॉटन द फिफ्थ पुरुषोत्तम एज इवन इन द गीता. गीता में कितने युग बताए? हाउ मेनी एजेस आर मेंशनड इन द गीता? चार युग. और फिर लिखा है संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ. फोर एजेस. एंड देन इट इज रिटन संभवामी युगे युगे, आई कम इन एवरी एज. शास्त्रों में भी लिखा हुआ है. It is also written in the scriptures. के राम का अवतार हर त्रेता युग में होता है. That Ram incarnates in every Treta Yug, meaning the Silver Age. 6 जनवरी 68 की वाणी का चौथा पेज. Fourth page of the Vani dated 6th January 1968. बिचारे जानते ही नहीं है. Those poor ones do not know at all. कभी कहते हैं हर युग में अवतार होता है तो चार अवतार होने चाहिए. Sometimes they say that God incarnates in every age. In that case, there should be 4 incarnations. फिर 24 अवतार बनाए दिए, फिर कण-कण ठिक्कर भीतर में अनगिनत बताए दिए. Then they have shown 24 incarnations. Then they have shown him in every molecule, lumps of soil and walls, thus having uncountable incarnations. पूरा नहीं बता सकते हैं, तो कह देते हमें ही भगवान है. When they cannot explain completely, they say, we ourselves are God. ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछे तुम्हारा बाप कौन, तो बता देंगे. For example, there are small children. If you ask them, who is your father, then they will tell you. फिर तुम्हारे बाप का बाप कौन? Then if you ask, who is your father's father? श्रूड बच्चे होंगे तो वो भी बता देंगे. If the children are clever, they will tell you even that. फिर उनसे पूछो उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, पूछते ही चले जाओ. Then ask them who is his, meaning grandfather's father, and who is his, that is great grandfather's father. Just go on asking. तो कह दे हम. Then they will say I. इसलिए ऐसे हिरण्यकश्यप झूठ बोलने वालों को दिखाते हैं. That is why it is shown for those Hiranyakashyap who speak lies. कि थंब से नरसिंह निकला. That nursing emerged from the pillar, meaning thumb, nursing, an incarnation of Vishnu, half man and half lion, who is depicted to have killed the demon king Hiranyakashyap. क्या? What? थंब माना खंभा. Thumb means pillar. जिस खंभे के ऊपर सारा मकान सदा हुआ होता है. The pillar on which the entire house is supported. ये षष्ठी रूपी मकान कहो, षष्ठी रूपी झाड़ कहो. Call it a house like world, call it a tree like world. इसमें कौन है जिसके ऊपर सारा झाड़ खड़ा हुआ है? Who is the one on whom the entire tree is based? थंबा कौन है? जो आज से अंत तक सीधा गया है. Who is the pillar that has gone straight, meaning upwards, from the beginning to the end, in the picture of the tree? Devi Devata Sanatan Dharma ka? Mool, Beej. The origin, the seed of the ancient deity religion. To kehte hain, thamb se Narsingh nikla. So, they say, Narsingh emerged from the pillar.
उस खंभे से कौन निकल पड़ा? Who emerged from that pillar? नरक के रूप में शेर निकल पड़ा। A lion in the form of a man emerged from it. ऐसा चित्र दिखाते हैं ना? They show such a picture, don't they? शेर ने फिर क्या किया? Then what did the lion do? ऐसे हिरण्यकश्यपों का पेट फाड़ा। It tore apart the stomach of such Hiranyakashyap. कोई बात का जवाब तो आता नहीं। They do not have the answers for any questions. इधर तो बातें सच्ची है। Here the facts are true. और उनकी सारी बातें झूठी साबित होती जाती है। And all their facts are proved to be false. कोई जवाब दे नहीं पाते। They are unable to give any reply. तो बुद्धिरूपी पेट फट जाता है। So their stomach like intellect tears apart. बेसिक नॉलेज में क्या हुआ? What happened in the basic knowledge? है? जवाब नहीं दे। है? जवाब नहीं दे। बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट का क्या असर हुआ? What happened to the stomach like intellect of Brahma also in the basic knowledge? बुद्ध रूपी पेट है? The stomach like intellect नकामा हो गया। Became useless. जो योगी होते हैं उनका हार्ट फेल हो सकता है क्या? Can the yogis suffer from heart failure? हो नहीं सकता। It cannot be possible. अच्छा। Okay. फिर गुरुजी के अंदर चेला सत्यानाश। Then it is said the disciples of the gurus who are blind, that is in the dark, are ruined. गुरु जिनके अंधले, चेला सत्यानाश। उनका बड़े से बड़ा चेला कौन था? Who was his greatest disciple? जो ज्ञान में बहुत होशियार माना जाता था। Who was considered to be very clever in knowledge? जगदीश। किशोर ज्ञान में तीखा नहीं था। जगदीश। Someone said विश्व किशोर। विश्व किशोर was not sharp in knowledge. जगदीश। उसके लिए भी मुरली में बोला है। For him also, it has been said in the Murli. उनका चेला होशियार नहीं था, तो फिर उनको गद्दी दे दी। His disciple was not intelligent, so the seat, गद्दी, was given to him. That is another one. ज्ञान की गद्दी किसको दे दी? Who was given the seat of knowledge? जगदीश भाई। उनका क्या असर हुआ? जगदीश भाई। What happened to him? ट्यूमर हो गया। बुद्धि में, खोपड़े में क्या हुआ? ट्यूमर हो गया। What happened to the brain within the skull? A tumor developed. तो दिखाते हैं। So it is shown कि नरक के शरीर रूपी थंभ से कौन निकला? Who emerged from the pillar like body of the man? कौन प्रत्यक्ष हो गया? Who was revealed? नरसिंह प्रत्यक्ष हो गया। नरसिंह appeared. ऐसा चित्र दिखाते हैं ना? They show such a picture, don't they? चित्र किसकी यादगार होते हैं? The pictures are memorials of what? कोई चरित्र बजाया है? Some act has been performed. उसकी यादगार है चित्र? Its memorial is the picture. बाप समझाते हैं? The father explains. अभी तुम असुर से देवता बनते हो। Now you transform from demons to deities. क्या? What? असुर थे और असुर से देवता बनते हो। You were demons and you transform from demons to deities. परंतु अभी तो रावण राज्य है। But now it is the kingdom of Ravan. जब तक रावण का राज्य है, Until it is the kingdom of Ravan, तब तक देवता नहीं बन नहीं सकते। You cannot become deities. यथा राजा तथा प्रजा। तथा प्रजा। As the king, so are the subjects. सारी दुनिया में रावण राज्य है। There is the kingdom of Ravan in the entire world. तो सब क्या होंगे? So what will all of them be? रावण के राज्य में कौन होंगे? Who will exist in the kingdom of Ravan? रावण संप्रदाय ही होंगे। There will be only the ones belonging to the community of Ravan. राम राज्य तो होता ही सत्ययुग में। The kingdom of Ram exists only in the golden age. वहाँ रावण राज्य नहीं कहेंगे। It will not be said to be the kingdom of Ravan there. अनेक शीशों वाला, अनेक मत देने वाला राज्य वहाँ होता नहीं। The kingdom of many heads who give many directions does not exist there. वहाँ एक की मत चलती है, अनेकों की मत नहीं चल न सके। The opinion of one is followed there
the opinion of many can't work there. Satyuga Treta viceless duniya thi. The golden age and the silver age were a viceless world. वहाँ कोई भी विकार नहीं था. There was no vice there. फिर विशेष दुनिया कब शुरू हुई? Then when did the vicious world begin? ये कैसे हो गई? How did it happen like this? हाँ, कैसे हो गई दोपुर? Someone said दोपुर meaning two abodes. Yes, how did it become two abodes? नहीं. Someone said रावण came. No. देवताएं भी जो सुख भोगते थे वो कैसे सुख भोगते थे? Even the deities who used to experience happiness, what kind of happiness did they experience? थे तो आत्माभिमानी. They certainly were soul conscious. परंतु सुख आत्मा से ही भोगते थे या देह के द्वारा भोगते थे? But did they experience happiness only through the soul or through the body? देह के द्वारा सुख भोगते भोगते देवताएं भी नीचे गिर गए. Even the deities experienced downfall while enjoying happiness through the body. आत्मिक स्थिति छूट गई. They lost the soul conscious stage. और देवान में आ गए. And became body conscious. तो ये विशेष दुनिया कब शुरू हुई ये किसी को पता नहीं है. So nobody knows when this vicious world started. आधा टाइम आत्मिक स्थिति की दुनिया और आधा टाइम देवान की दुनिया चलती है. For half of the time in a cycle, there is a world of soul consciousness. And for the remaining half of the time, there is a world of body consciousness. तो देखो साहब बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं. So look, they all have become those with a completely worthless intellect. अभी तुम नॉलेज पा करके आदि मध्य अंत को जान गए हो. Now you have come to know about the beginning, the middle and the end after obtaining the knowledge. बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है. The father is called knowledgeable. कहते हैं God is knowledgeful. It is said God is knowledgeable. परंतु God के अंदर क्या नॉलेज है वो जानते ही नहीं है. But they do not know at all what knowledge is contained in God. तुमको अब वह नॉलेज मिल रही है. You are receiving that knowledge now. भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए. The fortunate chariot is certainly required. किस बात के लिए? For what? वो ज्ञान सागर बाप जो तुमको नॉलेज देवे सदगति हो उसके लिए क्या चाहिए? For that ocean of knowledge father to give you knowledge to bring your true salvation, what is required? रथ जरूर चाहिए. A chariot is certainly required. जो रथ चाहिए उसका नाम भाग्यशाली रथ है. The name of the chariot that is required is the fortunate chariot. माना भगवान जिस रथ को धारण करे तो वो रथ भाग्यशाली रथ हुआ. It means that the chariot which God takes is the fortunate chariot. फिर ब्रह्मा का रथ भाग्यशाली कहा जाए या न कहा जाए? Then should the chariot of Brahma be called the fortunate chariot or not? क्यों नहीं कहा जाए? Everyone said no. Why shouldn't it be called so? है? भाग्यशाली रथ वो जो आदि से अंत तक भाग्यशाली का ही पार्ट बजाए. The fortunate chariot is the one who plays the very part of being a fortunate one from the beginning to the end. दुर्भाग्यशाली का पार्ट न बजाए. He doesn't play the part of an unfortunate one. बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ. The father says, I come in an ordinary body. आता तू भाग्यशाली रथ में हो. I do come in the fortunate chariot. परंतु साधारण तन में आता हूँ. But I come in an ordinary body. तब ये भाग्यशाली बनते हैं. Then this one becomes fortunate. अरे साधारण तन में आने से भाग्यशाली बनते हैं? अरे does the ordinary body become fortunate because of his, that is, Shiv's entrance? असाधारण सौंदर्यवान तन में आऊं तो भाग्यशाली नहीं बने? When I came in an extraordinary beautiful body, did it not become a fortunate one? नहीं. क्यों? Someone said no. Why?
क्योंकि बाप गरीब निवाज है. इट इज बिकॉज द फादर इज द फ्रेंड ऑफ द पुअर वंस. गरीबों को ही आकर के विश्व की बादशाही देते हैं. ही कम्स एंड गिव्स द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड टू द पुअर वंस ओनली. इसका मतलब जो भाग्यशाली रथ कहा जाता है वो पहले भाग्यशाली था या दुर्भाग्यशाली था. इट मीन्स वॉज द वन हु इज कॉल्ड अ फॉर्चुनेट चैरियट फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट अर्लियर. गरीबों को क्या कहेंगे? वॉट विल द पुअर वंस बी कॉल्ड? गरीब को कहेंगे दुर्भाग्यशाली. द पुअर वंस विल बी कॉल्ड अनफॉर्चुनेट. अरे भाग्य किन बातों से कहा जाता है? अरे फॉर्चून इज बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर्स? तन सुंदर हो. इफ द बॉडी इज ब्यूटीफुल. तन के संबंधी भी उच्च कोटि के हो. If the relatives of the body also are from a high class, उसके पास धन भी बहुत कुछ हो. If he possesses a lot of wealth, सब प्रकार के सुख हो तो उसको कहते हैं भाग्यशाली. If he possesses all kinds of comforts, then such a person is called fortunate. तो जो भाग्यशाली रहते होता है वो जन्म से ही भाग्यशाली होता है या जन्म से दुर्भाग्यशाली होता है? लौकिक जन्म से. So, is the fortunate chariot fortunate ever since his birth, or is he unfortunate ever since his birth, ever since his laukik birth? वो रथ है, पहले क्या होता है? What is that chariot initially? पहले दुर्भाग्यशाली होता है. Initially, it is unfortunate. साधारणतः वो बनता है. It becomes an ordinary body. और फिर बाद में? दुर्भाग्यशाली से? भाग्यशाली बन जाता है. एंड देन लेटर ऑन इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अनफॉर्चुनेट टू फॉर्चुनेट. कंटिन्यूड इन VCD नंबर 765.